सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट। नमस्कार दोस्तों, बी टाउन हब में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं अंग्रेजी मीडियम फिल्म के डे टू के, इंडिया के ओवरसीज के और वलवल के कलेक्शन के बारे में। तो दोस्तों आप भी अगर इरफान खान और करीना कपूर के ट्रू फैन है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करना मत भूलिए। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों अंग्रेजी मीडियम ये फिल्म कल रिलीज़ हुई है और ये एक कॉमेडी ड्रामा फिल्म है। दोस्तों इस फिल्म को बहुत ही पॉजिटिव रिव्यू मिले हैं पब्लिक और क्रिटिक्स की तरफ से और इस फिल्म का कंटेंट दर्शकों को बहुत ही पसंद आ रहा है। दोस्तों अंग्रेजी मीडियम हिंदी मीडियम का रीमेक बताया जा रहा है। इस फिल्म में भी हमें इरफान खान लीड रोल में दिखाई दे रहे थे। दोस्तों अंग्रेजी मीडियम फिल्म में लीड रोल में हमें इरफान खान, करीना कपूर, राधिका मंदाना और दीपक दोबड़िया जैसे बहुत ही बढ़िया स्टार देखने को मिले हैं। दोस्तों अंग्रेजी फिल्म को डायरेक्ट किया है दोस्तों होमी अडजानिया। दोस्तों इस फिल्म को इंडिया में 2200 स्क्रीन में रिलीज़ किया है। और दोस्तों आपको बता दूं अंग्रेजी मीडियम फिल्म का जो बजट बताया जा रहा है दोस्तों वो 45 करोड़ बताया जा रहा है। इस फिल्म को हिट होने के लिए कम से कम 60 करोड़ की कलेक्शन करना जरूरी है और इस फिल्म में इरफान खान और करीना कपूर का जो एक्शन है वो बहुत ही बढ़िया है। दोस्तों एक्टिंग की बहुत ही तारीफ की जा रही है। दोस्तों तो चलिए दोस्तों बिना देर करते इस फिल्म के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में बात करते हैं। दोस्तों कोरोना वायरस के कारण कई जगह सिनेमा घरों बंद है, फिर भी ये फिल्म बहुत ही अच्छा कलेक्शन कर रही है। हालांकि अंग्रेजी मीडियम ने पहले दिन इंडिया से 4 करोड़ 30 लाख का कलेक्शन किया है ओपनिंग डे पर और आज के रिपोर्ट के अनुसार यानी कि सेकेंड डे पर ये फिल्म 5 करोड़ 30 लाख का कलेक्शन कर रही है। दोस्तों इसी के साथ अंग्रेजी मीडियम फिल्म का 2 दिनों का इंडिया का टोटल कलेक्शन होता है दोस्तों 9 करोड़ 60 लाख जो कि बहुत ही बढ़िया है। दोस्तों और इस फिल्म ने ओवरसीज में अब तक 2 दिनों में 1 करोड़ 90 लाख का कलेक्शन किया है, वो भी बहुत ही बढ़िया है। इसी के साथ अंग्रेजी मीडियम फिल्म का 2 दिनों का वर्ल्ड वाइड टोटल कलेक्शन होता है 12 करोड़ जो कि बहुत ही बढ़िया है। दोस्तों और लगता है कि ये फिल्म अपना बजट रिकवर करके हिट्स भी साबित हो जाएगी। आपको क्या लगता है फिल्म ये हिट होगी कि नहीं, आपने देखी तो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलिए।